और अभी भाई एक कमेंट आया है, फिर मैं बाइक पे उन्हें दिखा सकता। उस कमेंट में है कि अबरार भाई की वजह से हमने आपको सब्सक्राइब किया, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है अबरार भाई की वजह से, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो भाई उन भाई को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। BMW की पता नहीं 3 सीरीज थी, पता नहीं 5 सीरीज गाड़ी थी, और उसको भाई लड़के ने जैसे उधर से आई ऐसे ड्रिफ्ट करा के घुमा दिया। अच्छा लगा मुझे भाई। कुछ बहुत सारे भाई पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, और काफ़ी और जगह से हैं, कुवैत से हैं, जर्मनी से हैं। सो गाइस, शायद तक आपको हम दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम इधर हॉरर मूवी देख रहे हैं। भाई डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। अंदर खान साहब और मेरे जो रूममेट हैं दिव्यांशु भैया, वो है। आज पूरे दिन भाई काम 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 किया, और हमारी डेट शीट आ चुकी है कॉलेज की, तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। व्लॉग्स आएंगे, डेली आएंगे, कोशिश यही करेंगे डेली आए। फिर भी अगर बाई चांस जो एग्ज़ाम वाले दिन होंगे उन दिन शायद ना आ पाए, क्योंकि भाई उन दिन तो मैं पढ़ूंगा, तो बीच बीच में जिस दिन एग्ज़ाम होगा वो दिन व्लॉग स्किप होगा। और बाकी भाई बताते रहेंगे कि आपको कैसा गया एग्ज़ाम, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। और आज हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो ज़्यादा डरे नहीं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। और अभी हम आ चुके हैं सिटी पार्क के अंदर, और पीछे भाई ये वाला व्यू देख लो यार, क्या मस्त लगता है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ लगती है भाई। ऊपर आज बादल देखो कैसे हो रखे भाई, क्या गजब ही सीन हो रहा है। आज के खास स्पेशल छोले भटूरे। तो भाई फाइनली हमारे हॉस्टल के अंदर आज बन रहे हैं छोले भटूरे, और मैं रनिंग करके आया, कैलोरीज बर्न करके आया हूँ, लेकिन अभी कैलोरीज वापस गेन करने का टाइम आ गया। और एक बात बताता हूँ, दाढ़ी बढ़ रही है, कमेंट में बता देना कि दाढ़ी बढ़ा लें या कटवा दें, जल्दी बता देना फिर यार, मतलब मैं कटवा लूँ फिर बोलो बढ़ा लो। तो फाइनली गाइस ये हमारा थोड़ा सा अच्छा सा खाना, थोड़ा सा ये अनहेल्दी है पर ठीक है, दिल के लिए बहुत हेल्दी है। तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। अभी क्या है कि आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा ऐसे अलसाया हुआ सा था, आलस में था भैया। ये यहाँ से जो बाइक नीचे उतारना होता है ना, बड़ा एक हार्ड टास्क है। ओ तेरे, और यहाँ पे गिन्नी साहब खड़े हैं। अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल। पूरे दिन सुबह से मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मूड ऐसा था कि ना उठने का मन करे, ना नींद आए, ना सोने का मन करे, मतलब कुछ करने मन करे कि भाई उठ जाओ कुछ कर लो, उठने लगे तब फिर दोबारा मन करे कि यार नहीं, शरीर बोल रहे नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा। अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए, और ये मध्यम मार्ग है मानसरोवर जयपुर। अबे हटा लो यार जयपुर भाई, ओहो हो हद है भाई। बाइक का जो टैंक है इतना ज़्यादा ऐसे ठंडा है, इसके जैसे पैर लगे, मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, और जैसे मैंने इसके पैर लगाए भाई क्या बात है, क्या बात है, ऐसे मतलब सर्दियों की सी फील दिला दी। हाँ तो मैं कह रहा था जयपुर एक ऐसा शहर है कि भाई दिल लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सिटी पार्क है भाई, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे भाई पूछो ही मत। और अरे हटा लो यार परेशान हो रहे हम। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे फास्ट शाम के टाइम फास्ट फूड वगैरह बहुत कुछ लगता है, सुबह यहाँ पे जूस वगैरह लगता है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एंट्री ले लो फ्री है, अब शाम को क्या 20-20 रुपये लगेंगे एक एक जने के, 20 रुपये टिकट रखती। वैसे सही भी है यार, इतना बड़ा पार्क है, कुछ इनकम होनी चाहिए खर्चा निकालने के लिए। जो अंदर पुतले वगैरह लगाए थे ना पहले, 2-3 बार तो तोड़ भी दिए थे लोगों ने। बहुत भीड़वा में आ गए हम, ये देखो भाई। प्लीज साइड यार, वॉल्क्सवैगन वर्टस
अभी 31 मार्च तक भाई इतनी पुलिस रहती थी, मतलब निकलना यार भाई रोक लो यार, इन लाइट निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो सर, अरे यार शिट मैन शिट मैन शिट 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 शिट। ये देख लो इतने दिन तो भैया यहाँ से निकलना तो ऐसे मतलब बवाल चीज़ थी, आज तो कोई है ही नहीं। अभी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ दिन रेस्ट करेंगे। आज हो चुकी है 3 तारीख और आज और कल 2 दिन बचे हैं हमारे स्विमिंग के लिए, उसके बाद हमारा महीना 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ दिन का रेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ना थोड़ा बारिश वाला सा सीन चल रहा है भाई। इस महीने में मैं भी 4-5 दिन नहीं गया, मतलब 5 दिनों के पैसे बर्बाद। उसका रीज़न था बारिश ठंड। अरे यार शिट मैन, आज तो संडे है। ओ यस, चलो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कर लेने दो यार, इतने दिन से हो ना पा रही है, कल कल का दिन बचा है। लो भाई पब्लिक आई हुई है काफ़ी सारी, पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल, अंदर चलते हैं अभी। भाई आज तो बहुत ज़्यादा ही मज़े आ गए, बहुत ज़्यादा खेले आज हम। ना स्विमिंग तो प्रैक्टिस तो मतलब खेल खेल के अंदर हो गई, मेन है कि कैलोरीज बर्न करनी है वो हो जाती है। भाई जितने भी भाइयों ने मेरी वीडियो देखी है उन सबका तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया जितना सोचा भी नहीं था, और बहुत अच्छा लगा मुझे। भाई कुछ बहुत सारे भाई पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, और काफ़ी और जगह से हैं, कुवैत से हैं, जर्मनी से हैं। तो उन सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़ा वीडियो को मेरी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आए हम स्विमिंग पूल से स्विमिंग करके, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, और अभी जा रहे हैं वापस रूम के साइड। उससे पहले है कि 2-3 दिन से मैंने बाइक नहीं निकाला है, तो थोड़ा सा बाइक पर घूम लूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपने अंडरवियर और कॉस्ट्यूम रख रखे हैं भाई, क्योंकि मैं बैग नहीं लेके आता ना यहाँ पे। द ग्रीन लाइट में कहाँ आ रहे हो? 31 अप्रैल तक इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन जैसे 31 अप्रैल निकला स्ट्रिक्टनेस ख़त्म। कल मैं गया था रिद्धि सिद्धि वाली साइड, कल का व्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो उधर मैंने एक चीज़ देखी कि भाई एक लड़की आई BMW की, पता नहीं 3 सीरीज थी पता नहीं 5 सीरीज गाड़ी थी, और उसको भाई लड़की ने जैसे उधर से आई ऐसे ड्रिफ्ट करा के घुमा दिया। सारे के सारे लोग देखने लग गए भाई, मतलब यार, और बाद में हाथ निकाला यूं करके, मतलब भाई उस लड़की ने जो कार ड्रिफ्ट कराई ना, वैसे लग रहा था देखने में कि भाई एकदम प्रोफेशनल है भाई, क्या गजब ही कराई। और जो ये व्यू आ रहे हैं जो अबरार भाई है, उनको एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद, और आफ्ताब भाई को धन्यवाद, क्योंकि अगर आफ्ताब भाई नहीं होते तो शायद मैं इतने अच्छे से मिल नहीं पाता, अगर अबरार भाई नहीं मिलते तो शायद मेरी वीडियोस ना चलती। तो भाई क्रेडिट तो हम उन्हीं को दे रहे हैं, और अब थोड़ा सा क्रेडिट आपका कि आपने वो वीडियो देखी, आपको पसंद आई, अच्छी वीडियो बनी, उसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। अभी हम जा रहे हैं विजयपथ वाली साइड, और अभी भाई एक कमेंट आया है फिर मैं बाइक पे उन्हें दिखा सकता। उस कमेंट में है कि अबरार भाई की वजह से हमने आपको सब्सक्राइब किया, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है अबरार भाई की वजह से, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, तो भाई उन भाई को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और बहुत अच्छा फील हुआ कि आपने हमें सब्सक्राइब किया। अरे अरे भाई 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 भाई, तो ये हमारी रोड है, इसके ऊपर हम दिन में 10 बार घूम लेते हैं, ये इतनी सी जगह में हमारी ज़िंदगी। ये है सामने बिल्डिंग है, ये है मानसरोवर की जान, मानसरोवर प्लाजा, मतलब इस एरिया के अंदर सबसे बढ़िया यही है।
यहाँ पे फुल रौनक शौनक लगती है। ये देखो भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, उधर चल के आते हैं। अबे यार कैमरा बहुत ज़्यादा डाउन है, वरना तुमको दिखा के लाता उधर। हट जा सामने से, मुझे मुड़ना है इधर। ओ भाई भाई भाई, ये देखो भाई कितनी सारी बाइकें लगी है, और उधर वाली साइड पब्लिक देख लो यार। मतलब ये जो बेकरी वाली है ना, शिव शक्ति बेकर्स भाई, इतनी इनकम है पूछो ही मत। पूरे प्लाजा के अंदर सबसे ज़्यादा यहीं इसी चीज़ की, सिर्फ ये शिव शक्ति बेकर्स है, इसकी वजह से फेमस है सब। वरना इस प्लाजा के अंदर मतलब 90% जान तो यही है एक, शिव शक्ति बेकर्स। थोड़ा सा इधर से फिर अभी इधर घुमा देते हैं। द फाइनली वी आर